ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਹੈ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੇ ਹਵਾਈ ਹੈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਖਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਗੂਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ। पटियाला तो साबका संसद मैंबर डॉक्टर तरनवीर गांधी ने पंजाब की कानून व्यवस्था से सवाल चुके हैं। सवाल चुकते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब में जानबूझ के माहौल खराब किया जा रहा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ते गवर्नर की खैबाजी का केंद्र सरकार फायदा चुक रही है ते ए सब मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं समझ नहीं आ रहा। उन्होंने पंजाब में हुए कतलों गैंगस्टरां की गतिविधियां समेत अजनाला घटना उत्ते सवाल चुके हैं। तरनवीर गांधी का कहना है कि इन सारिया घटनावां नूं जोड़ के केंद्र सरकार पंजाब में गवर्नरी राज लिया तैयारी बीटी बैठी है जिसका इलम शायद मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं नहीं है। अजीत पंजाबी दी ऑथेंटिक खबरां दे लई सबसक्राइब करो अजीत वैब टीवी अते ताज़ी खबरां दी नोटिफिकेशन पाउण दे लई बैल आइकन ते क्लिक करो। जिहड़ी हाकम तेरे उन्होंने बयान देने हुंदे जी असल तां जिहड़ी पंजाब विच लॉ ऑर्डर दी हालत है वह लोकी हंडाने भी पे ते लोकी देखदे भी पे हैगे जिहड़ियां फरौती दीआं मंगां आ रहीआं हैगीआं जिस तरह मतलब कांग्रसी एम एल ए नूं इक साबका एम एल ए नूं बढलाडे दे नूं चुक के लै गए ते फरौती दी मंग कीती जिवें उहदा माड़ा हाल होया पिया हैगा जिस तरह मतलब नकोदर च कतल होया एक व्यापारी का जो फरौती मंगी सी उन्हें फरौती देने तो ना की जा उन्हें पुलिस ने इनफॉर्म किया तो उन्होंने धमकी दी सी मारने तो उन्होंने मार दिता गया है। इस तरह मालवे माझे दुआबे तिना थावान पर जोड़ा दहशत का माहौल हैगा गैंगस्टर वालों या गुंडिया वालों वो लोग देख रहे हैं। सियासी तौर पर भी जो पंजाब देखे जाए तो काफ़ी अस्थिरता वाला माहौल हैगा जो अजनाले घटनावान वापरी हैं कोई चंगा संकेत नहीं है जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर कलैप्स किया और जिस तरह एक मतलब उन्होंने मतलब अंदर थाने के जाके कब्जा करने की इजाजत दी गई हैगी और जिस तरह पुलिस को कुट पई हैगी है ये सारा कुछ यह दर्शाता है कि पंजाब की जी कानून हालत है कानून व्यवस्था की हालत है पंजाब सरकार की बस तो बाहर वाली गल हुई पई है और मैं लगता कि तां एक डूंगी साजिश है जिदे तहत ये भगवंत मान को पता नहीं लगता पे साडे मुख्यमंत्री को ये पंजाब की आप है तो वैसे ही बौने मतलब बंदे इन्होंने मतलब टिकटा दे के कांग्रसी अकाली पुराने लैके खड़े किए थे जताब से है अदरवाइज एक डूंगी साजिश है जिस तहत पंजाब का माहौल खराब होर होगा करने की कोशिशा की जाएगियाँ तो बाद विच जो एक टसल चल रही है गवर्नर ते मुख्यमंत्री की उन्हों होर हवा दे के उन्हों होर मतलब हालतों माड़ी दिखा के पंजाब राष्ट्रपति राज लागू करने की तैयारी हैगी ताकि बीजेपी जी हम टेढ़े ढंग मतलब कोशिशा कर रही है कि पंजाब अपना आधार बनाया जाए तो राष्ट्रपति राज दौरान अपने आधार को मजबूत करके सन 24 के इलैक्शन पार्लीमेंट दिया तो उस तो बाद जी 27 दी इलैक्शन विधानसभा दिया अपनी हालत मजबूत कर सके ये कर पाती नहीं कर पाती यह तो सारा भविख के गर्भ में है मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब चो भाजपा जड़ा लगनगियाँ ना पार्लीमेंट चोणा च ना ही मतलब लोकसभा चोणा च ना ही राज जी राज विधानसभा दी चोणा बच्चे पर कोशिश जरूर हैगी है तो किस हद तक कामयाब होंगे ने पंजाबी लोगों की सूझबूझ तो निर्भर करता है पर घट्टो घट्ट सरकार मैं सुनौनी करना चाहता कि जी अपने रिटोरिक बयान है जी बयानबाजी है वह बंद करके सच्ची मुची कानून की व्यवस्था वाल ध्यान देन ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकन ते पंजाब का माहौल ठीक हो के जी इनवैसटमेंट समिट निवेश का जी महासम्मेलन करते पे वह मतलब की है जे उसी दिन पंजाब थाणियां ते कब्जे हो रहे हैं तो उस किहड़ा किहड़ा निवेशक पंजाब आऊगा कोई नहीं आने लग्या सो ये जी हवाई किले है हवाई गल्लां हैगियां सरकार ही हवाई है इश्तिहारी सरकार है मतलब एडवरटाइजमेंट की सरकार है सार हो गया सरकार को हूँ तो इन्हों सवाल हो गए पुराने सवाल तो लोगों ने कर ले वो तो कट के बाहर मारे अकाली भी कांग्रेसी भी हूँ तो एक साल तो यह सत्ता च ने ना हूँ तो इन्होंने सवाल पुछांगे पुछते लोग भाई तुम्हें जी वायदे करके आए थे की किया है तुम्हें बेरोजगारी कि ठल पाई है तुम्हें नशे किन्ने बंद किए किसानी संकट कि हल किया प्रवास को कि रोकया जो इतने गोरे आ गए नौकरियां करे और देख लो सारा मुल्क तो गोरिया के मुल्क भज्जिया फिर सो इस करके अभी कह दी गल हो रहा असल असलीत हो रहा है झाड़ू न खूंज खूंज रहे पंजाब दे जो तीन तरह के अपने एम एल ए वजीरे हूं तक बाहर कढ़ने पै गए इन्हों अजे अंदरों अंदर ही चल रहे हम छेती भी बाहर आ जाऊगा तो फिर लोगों तो पता ही है इस सरकार को तो इन्हें तो अपने आप डिफेंड करना ही करना अमृत वालों किस तरह देखते हो देखो अमृतपाल मैं लगता कि सेंटर बड़ी डूंगी साजिश तहत पंजाब का माहौल खराब करने कुछ ताकत सरगर्म ने तो उन्होंने मतलब पंजाबियों चौकस रहना चाहिए क्योंकि पंजाब पहले बहुत जरा माहौल
माहौल जरा है माड़ा रहा पंजाब काफ़ी अरसा तो पंजाब बहुत संताप हंडा चुका हूँ हंडा चुका है हूँ पंजाब जर नहीं सकता नवा कोई माहौल की खराबी लेकिन डॉक्टर साहब बार बार कहा जाए कि खालिस्तान की आवाज उठ रही है कितना देख रहे हैं कोई नहीं खालिस्तान की आवाज उठी है कुछ लोगों वालों हवा खड़ा करके हिंदुओं को डरा के बीजेपी की झोली च पाने की गल हैगी है बस यही मकसद यही है कि हिंदुओं को डरा के पंजाब के हिंदुओं को बीजेपी झोली पाया जा सके तो कल सिखा कुट के इन्हों मतलब इन्हों भैड़ी करके हिंदुस्तान पंजाब को बदनाम करके हिंदुस्तान हिंदुओं की वोटा लिया बंदी सिंह छड़ाने वास्ते शेखावत जी ने कहा कि साढ़े को नोटिफिकेशन लेकिन सरकार कॉन्फिडेंस करी कि साढ़े नोटिफिकेशन आए पे है पता नहीं है तो उन्होंने क्लीयर करना चाहिए तो उन्होंने धरना सामने सामने बिठा के मीडिया को पूछना चाहिए दसो थोड़े दोहां की पोजिशन की अलग अलग हैगी है नवजोत सिंह तुम घरवाले ने पटियाला इलेक्शन लड़ने की इच्छा जताई है बहुत चंगी गल है जरूर लड़ना चाहिए हूँ हर एक तो एक तो राइट भी है तो एक दूजा कांग्रेस को मेरा ख्याल है कि ढुकवें कैंडीडेट नहीं है तो उन्होंने मकबूलीयत भी हैगी लोगों च पापूलर भी है तो नवजोत सिद्धू जे नहीं लड़ना चाहते तो लाजमी तौर पर उन्होंने मतलब उन्होंने मैडम कांग्रेस में लड़ाना चाहिए डॉक्टर गांधी भी राहुल मिल के राहुल गांधी डॉक्टर गांधी भी 2024 मतलब मैं इलैक्ट्रोल मेरी पॉलिटिक्स छड़ दी है वैसे मैं सियासत के बीच है पर जी चुनावी सियासत है वह मैं हूँ हिस्सा नहीं है ना मैं लड़ना कोई ना मैं कोई लोग सभा की मैंबरी ना राज्यसभा की मैंबरी ना कोई अहदा मैंने कुछ नहीं चाहिए मैंने जमहूरीयत चाहिए है जमहूरी हक चाहिए है मनुखी हक चाहिए है बेहतर जिंदगी चाहिए मनुख वास्ते वास्ते मैं जी मैं सियासी दर्शन ठीक लगूगी मुकाबलतन मैं वो हक प्रचार बीजेपी अगर ऑफर कर दिया डॉक्टर गांधी बीजेपी का सवाल ही नहीं पैदा होता बीजेपी का सोचे भी ना तो ना गांधी सोच सकता सारी उम्र नहीं सोच सकता सुखबीर बादल हूँ तक बाहर क्ढने पै गए इन्हों अजे अंदरों अंदर जो चल रहे हैं वो हम छेती वो भी बाहर आ जाऊगा तो फिर लोगों तो पता ही है इस सरकार को तो इन तो अपने आप डिफेंड करना ही करना अमृतपाल किस तरह देख रहे हो देखो अमृतपाल मैंने लगता कि सेंटर बड़ी डूंगी साजिश तहत पंजाब का माहौल खराब करने कुछ ताकत सरगर्म ने तो उन्होंने मतलब पंजाबियों को चौकस रहना चाहिए क्योंकि पंजाब पहले ही बहुत जरा माहौल जरा है माड़ा रहा पंजाब काफ़ी अरसा तो पंजाब बहुत संताप हंडा चुका हूँ हंडा चुका है हूँ पंजाब जर नहीं सकता नवा कोई माहौल की खराबी लेकिन डॉक्टर साहब बार बार कहा जाए कि खालिस्तान की आवाज उठ रही है कितना देख रहे हैं कोई नहीं खालिस्तान की आवाज उठी है कुछ लोगों वालों हवा खड़ा करके हिंदुओं को डरा के बीजेपी की झोली च पाने की गल हैगी है बस यही मकसद यही है कि हिंदुओं को डरा के पंजाब के हिंदुओं को बीजेपी झोली पाया जा सके तो कल सिखा कुट के इन्हों मतलब इन्हों भैड़ी करके हिंदुस्तान पंजाब को बदनाम करके हिंदुस्तान हिंदुओं की वोटा लिया बंदी सिंह छड़ाने वास्ते शेखावत जी ने कहा कि साढ़े कोई नोटिफिकेशन लेकिन सरकार कॉन्फिडेंस करी कि साढ़े नोटिफिकेशन आए पे है पता नहीं है तो उन्होंने क्लीयर करना चाहिए दोनों धिरों सामने सामने बिठा के मीडिया को पूछना चाहिए दसो थोड़े दोहां की पोजिशन की अलग अलग हैगी है नवजोत सिंह तुम घरवाले ने पटियाला इलेक्शन लड़ने की इच्छा जताई है बहुत चंगी गल है जरूर लड़ना चाहिए हूँ हर एक तो एक तो राइट भी है तो एक दूजा कांग्रेस को मेरा ख्याल है कि ढुकवें कैंडीडेट नहीं है तो उन्होंने मकबूलीयत भी हैगी लोगों पापूलर भी है तो नवजोत सिद्धू जे नहीं लड़ना चाहते तो लाजमी तौर पर उन्होंने मतलब उन्होंने मैडम कांग्रेस में लड़ाना चाहिए डॉक्टर गांधी भी राहुल मिल के राहुल गांधी डॉक्टर गांधी भी 2024 मतलब मैं इलैक्ट्रोल मेरी पॉलिटिक्स छड़ दी है वैसे मैं सियासत के बीच है पर जी चुनावी सियासत है वह मैं हूँ हिस्सा नहीं है ना मैं लड़ना कोई ना मैं कोई लोग सभा की मैंबरी ना राज्यसभा की मैंबरी ना कोई अहदा मैंने कुछ नहीं चाहिए मैंने जमहूरीयत चाहिए है जमहूरी हक चाहिए है मनुखी हक चाहिए है बेहतर जिंदगी चाहिए मनुख वास्ते वास्ते मैं जी मैं सियासी दर्शन ठीक लगूगी मुकाबलतन मैं वो हक प्रचार बीजेपी अगर ऑफर कर दिया डॉक्टर गांधी ने बीजेपी का सवाल ही नहीं पैदा होता बीजेपी का सोचे भी ना तो ना गांधी सोच सकता सारी उम्र नहीं सोच सकता सुखबीर बादल बयाना बेबलगढ़ जो गोलीकांड उस समय पंजाब सेगा नहीं जेड मर्जी अफसर तो पुछ लो मेरे अकाली दल बदनाम किया जा रहा है देखो हकीकत सामने आने गया हम जो केस चलूगा तो एविडेंस होगा सरकार किन्नी सच्ची है किन्नी झूठी है सुखबीर बादल सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही अकाली दल पता नहीं है किन्ने चिर तो रौला चलता पाया अजे कोई छेती निभण वाला है नहीं क्योंकि अजे बहुत लंबा सफर है कचहरियां तो अज पहल छोटी फिर बड़ी सारी उम्र लंघ जाती लोगों की कचहरियां धक्के खाते तो जिन्हों को पैसा हैगा वो वास्ते लिमिट कोई नहीं लख पांच लख का एक पेशी का वकील लैंदा है गरीब बंदा लड़ नहीं सकता ये बड़े बंदे जिथे मर्जी लड़ लेने तो ज्यादा इंसाफ इन्ना लमका देंगे कि वह मकसद ही मुक जाता या फिर इंसाफ भी मतलब प्रभावित करके अपने हक हो जाता इन्होंने जिन्हें प्रोती देने तो ना की जा उन्हें पुलिस ने इनफॉर्म किया तो उन्होंने धमकी दी सी मारने की तो उन्होंने मार दिता गया है इस तरह मालवे माझे दुआबे तिना थावान पर जोड़ा दहशत का माहौल है गैंगस्टर वालों या गुंडिया वालों वो लोग देख रहे हैं
सियासी तौर पर जो पंजाब देखा जाए तो काफ़ी अस्थिरता वाला माहौल हैगा, जो अजनाले घटनावान वापरियाँ कोई चंगा संकेत नहीं है, जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर कलैप्स किया है और जिस तरह एक मतलब उन्होंने मतलब अंदर थाने के जाके कब्जा करने की इजाजत दी गई हैगी और जिस तरह पुलिस को कुट पई हैगी है, ये सारा कुछ दर्शाता है कि पंजाब की जी कानून हालत है, कानून व्यवस्था की हालत है, पंजाब सरकार की बस तो बाहर वाली गल हुई पई है। और मैं लगता कि तो एक डूंगी साजिश है जिदे तहत ये भगवंत मान को पता नहीं लगता पे साडे मुख्यमंत्री को, तो ये पंजाब की आप है तो वैसे ही बौने मतलब बंदे इन्होंने मतलब टिकटा दे के कांग्रेसी अकाली पुराने लैके खड़े किए तो जताब से है, अदरवाइज एक डूंगी साजिश है जिस तहत पंजाब का माहौल खराब होर होगा करने की कोशिशा की जाएगी, तो बाद जो एक टसल चल रही है गवर्नर तो मुख्यमंत्री की उन्होंने होर हवा दे के उन्होंने होर मतलब हालत को माड़ी दिखा के पंजाब राष्ट्रपति राज लागू करने की तैयारी हैगी, ताकि बीजेपी जी हम टेढ़े ढंग मतलब कोशिशा कर रही है कि पंजाब अपना आधार बनाया जाए तो राष्ट्रपति राज दौरान अपने आधार को मजबूत करके सन 24 के इलैक्शन पार्लीमेंट दिया तो उस तो बाद जी 27 दगे इलैक्शन विधानसभा दिया अपनी हालत मजबूत कर सके, ये कर पाती नहीं कर पाती ये तो सारा भविख के गर्भ में है, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब चो भाजपा की जड़ा लगनगियाँ ना पार्लीमेंट चोणा च ना ही मतलब लोकसभा चोणा च ना ही जी राज विधानसभा दोणा बच्चे, पर कोशिश जरूर हैगी है तो किस हद तक कामयाब होंगे ने पंजाबी लोगों की सूझबूझ तो निर्भर करता है, पर घट्टो घट सरकार मैं सुनौनी करना चाहता कि जी अपने रटोरिक बयान है जी बयानबाजी है वह बंद करके सची मुची कानून की व्यवस्था वाल ध्यान देन ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकन, तो पंजाब का माहौल ठीक हो के जी इनवैसटमेंट समिट निवेश का जी महासम्मेलन करते पे वह मतलब की है जो उसी दिन पंजाब थाने कब्जे हो रहे हैं तो उस निवेशक पंजाब आऊगा कोई नहीं आने लग्या, सो ये हवाई किले है हवाई गल्ला है सरकार ही हवाई है इश्तिहारी सरकार है मतलब एडवरटाइजमेंट की सरकार है कोई हकीकत नहीं हैगी है, इन्हों हकीकत लिखना तो कंध लिखा जो पढ़ना चाहिए है तो पंजाब का माहौल ठीक करने अपना अपना जो रोल है सरकार का वह निभाना चाहिए, लेकिन सरकार कहती है सू विरोधी तीन बदनाम कर रहे हैं विरोधी देखिए लोग आप रोज़ हंटाते पे कि लुट्टा बलदियाँ नशे किमें उ बिक रहे हैं किसानी संकट किमें है बच्चे किमें बाहर भजे जा रहे हैं लोगों को नहीं दिखता, आप रोज मैं डॉक्टर के तौर पर मैं रोज़ देखता कि समाज का कितना माड़ा हाल है लोग की आ गए आगे सिस्टम है मैं नहीं कहता सिस्टम इन्होंने पैदा किया जो जो